कुछ इसी तरह पिछले करीब एक हफ्ते से बिहार के पटना जिले के मोकामा टाल इलाके के गांव में ऑपरेशन नील गाय को अंजाम दिया जा रहा है। मार्क यू कैन शूट। किसानों के लिए दुश्मन नंबर एक बन चुके इन नील गायों को मारने के लिए यहां पर हैदराबाद से शार्प शूटर्स की टीम बुलाई गई है। टीम का नेतृत्व कर रहे हैं नवाब शफात अली खान। नवाब साहब अपनी टीम के साथ सुबह सुबह गांव का रुख कर लेते हैं। खुली जीप पर इन्होंने नील गाय से मोर्चा लेने का पूरा इंतजाम कर रखा है। जैसे ही इनकी टीम को गांव वालों से नील गाय के किसी झुंड के बारे में जानकारी मिलती है, ये लोग फौरन अपनी टेलीस्कोप राइफल को मिशन के लिए तैयार करते हैं। ये शूटर खास तौर से नर नील गायों को निशाना बना रहे हैं, क्योंकि इनके मुताबिक नर नील गाय खेती का सबसे ज्यादा नुकसान करते हैं। मोकामा टाल में नील गायों का आतंक सबसे ज्यादा है। नील गायों के सैकड़ों झुंड यहां के दलहनी खरीफ और रबी की फसलों के साथ ही सब्जियों की खेती को बुरी तरह से तबाह कर रहे हैं। इलाके के एमएलसी नीरज कुमार ने हैदराबाद से इस टीम को बुलाया है। किए हुए फसल में जिस ढंग से वो दौड़ते हैं और किस जो फसल हमारा उगता हुआ फसल होता है उसका नुकसान करते हैं, उसको जमींदोज कर देते हैं, तो ये निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत बड़ा संकट रहता है। इसलिए मैं सबसे इसलिए बधाई देना चाहता हूं कि बगैर किसी के सहयोग के अपने संसाधन से हैदराबाद से हवाई जहाज से आकर के अपना वीपन, अपना गोली, अपना हथियार इनका इस्तेमाल कर करके मोकामा की जनता का इन्होंने भला किया है। हैदराबाद से आई शूटरों की टीम नील गाय को न सिर्फ मार रही है बल्कि उन्हें खदेड़ कर जंगलों की ओर भेज रही है। 200 से ज्यादा नील गायों को मारा जा चुका है, जबकि करीब 2000 से ज्यादा नील गायों को जंगल की तरफ खदेड़ दिया गया है। शूटरों की इस कार्रवाई से गांव के किसानों ने राहत की सांस ली है।